नमस्कार, मैं तरला दलाल बोल रही हूँ। अभी हम बनाने जा रहे हैं सेविया की। आपको मालूम है खीर तरह तरह की मिलती है, बाजार में तैयार मिलती है और घर पे भी बनती है। कोई चावल की बनती है, पनीर की बनती है, फ्रूट की बनती है, तरह तरह की खीर बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है सेविया खीर। इट्स वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। तो चलो अभी हम चालू करें कैसे बनाना। पहले हम सेविया को घी पे फ्राई करेंगे। ये है घी और हम डाल रहे हैं सेवैया। ये फ्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक वो लाइट पिंक ना हो जाए तब तक सेकना चाहिए। धीरे धीरे सेकने, फास्ट ताप पर मत करना। ये देखो अपना कलर आ गया। तो अभी हम डालेंगे पानी। हम पानी क्यों डाल रहे हैं, सेविया जल्दी पक जाएगी पानी में। और थोड़ा सा दूध, बहुत कम दूध। अभी हम शुगर नहीं डाल रहे, इसका एक कारण है कि शुगर डालोगे तो सेविया बहुत टाइम लेगा पकने को, इसलिए पहले हम दूध और पानी डाल के पकने देंगे और बाद में शक्कर डाल जाए। देखो अभी सेविया पकने को आ रही है। तो अब डालेंगे शक्कर। और बाकी का दूध। ये दूध है ना फुल फैट मिल्क है, ये लो फैट से अच्छी नहीं बनेगी। लो फैट मिल्क नहीं, फुल फैट मिल्क तो ही बढ़िया बनेगी। आपको फुल फैट मिल्क नहीं मिला, नहीं होगा तो क्या सादा दूध भी से बनाए और बाद में एक चम्मच और दो चम्मच कंडेंस मिल्क डाल दीजिए, काम आपका हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अभी ये सेविया पक गई है और हिलाते रहना एंड कुक इट ऑन अ स्लो फ्लेम। अभी अपनी खीर इज ऑलमोस्ट रेडी। तो अब हम डालेंगे कार्डमम पाउडर। ये देखिए सैफरन इज नॉट कंपल्सरी है, आपको डालने का होगा तो आप केसर डालिए। ये बन गई अपनी खीर, अब इसे हम सर्व करें। बहुत जल्दी बन गई ना, फटाफट मेहमान कोई आए घर पे तो मुझे लगता है खीर बनाना बहुत अच्छा है। खीर तैयार हो गई और फिर बादाम पिस्ता से गार्निश करें। बन गई अपनी खीर।